टेस्ला दुनिया की सबसे विवादित कंपनियों में से एक बन गई है। आलोचकों ने लंबे समय से कंपनी को बड़ा नुकसान पहुंचाने, तुलनात्मक रूप से कुछ वाहनों का उत्पादन करने और कुछ वादों के कम होने के लिए लंबित किया है। हालांकि इसके बावजूद टेस्ला की शेयर की कीमत 2010 में $30 से कम होकर आज लगभग $1400 हो गई है। बहुत कम वाहनों के उत्पादन के बावजूद टेस्ला ने टोयोटा को पछाड़ दिया है, जो दुनिया में सबसे मूल्यवान वाहन निर्माता है। तो कौन से कारण इस वृद्धि को बढ़ा रहे हैं? क्या टेस्ला एक होनहार भर्ती हुई कंपनी है या वह काफी हद तक ओवरवैल्यूड है? शेयर बाजार आगे की ओर देख रहा है, मतलब निवेशकों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि टेस्ला आज क्या कर रहा है, उनकी सिर्फ वृद्धि में एक अपेक्षा है। इसलिए भले ही टेस्ला आज प्रतियोगियों से छोटा है, लेकिन निवेशकों को उम्मीद है कि ये भविष्य में बड़ा हो जाएगा। एक कारण जो टेस्ला को मूल्य देने से कठिन बनाता है वह यह है कि इसकी कोई तुलना करने योग्य फर्म नहीं है, और टेस्ला दुनिया के किसी भी अन्य वाहन निर्माता की तुलना में काफी अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचता है। इसके अलावा टेस्ला के आकार के पास कोई भी अन्य इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता नहीं है। हालांकि बाजार से संकेत हमें बता रहे हैं कि निवेशक इलेक्ट्रिक वाहनों पर दाव लगाने वाली कंपनियों में एक बड़ा प्रीमियम देखते हैं। रिवियन, एक कंपनी जिससे तुलना कर सकते हैं वह रिवियन है, एक मिशिगन आधारित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप है। रिवियन ने अमेज़न, फोर्ड और अन्य बड़ी कंपनियों से फंडिंग में अरबों आकर्षित कर लिए हैं, और रिवियन इस साल के अंत में उत्पादन के लिए पहला वाहन लाने की उम्मीद कर रहा है। मार्केट कैप, क्योंकि रिवियन एक प्राइवेट कंपनी है इसलिए उनके मूल्य का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन विश्लेषकों का अनुमान है कि यह $5 बिलियन से $10 बिलियन से अधिक है। नियो चीन का एक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता है जो दो लग्जरी SUV बेचता है। 2019 में नियो ने लगभग 20,000 वाहन बेचे टेस्ला की 370,000 की तुलना में। हालांकि टेस्ला के विपरीत नियो केवल चीन तक सीमित है। नियो का मार्केट कैप $16 बिलियन का है। निकोला एक स्टार्टअप है जो क्लीन एनर्जी के सेमी ट्रक का उत्पादन करने का इरादा रखते हैं। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होने के बजाय ट्रक एक फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड भी है। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई भी डिलीवरी नहीं की है, लेकिन वे इस साल पहली डिलीवरी पूरी करने का इरादा रखते हैं। टेस्ला भी सेमी ट्रक का उत्पादन करने का इरादा रखता है, हालांकि जो पूरी तरह से बिजली से चलते हैं। निकोला का मार्केट कैप $20 बिलियन का है। जैसा कि टेस्ला इन तीनों कंपनियों में से बहुत आगे है, फिर भी इससे समझ में आता है कि उनका मूल्यांकन बहुत होगा। रिवेन और निकोला ने अभी तक किसी भी उत्पाद को सफलतापूर्वक बाजार में नहीं लाया है, और फिर भी वे बड़े मूल्यांकन का आनंद लेते हैं। इसके अतिरिक्त निकोला और नियो दोनों अपने वाहनों में टेस्ला की तुलना में काफी सीमित है। नियो केवल एक भौगोलिक बाजार में कार्य करता है, जबकि कंज्यूमर वाहनों के उत्पादन के लिए निकोला की कोई योजना वर्तमान में नहीं है। स्पष्ट रूप से निवेशकों को क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य और पारंपरिक वाहन निर्माताओं के लिए प्रमुख चुनौतियां दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त टेस्ला ने स्टार्टअप के सामने एक बड़ी चुनौती को पार कर लिया है। उन्होंने लाभप्रदता हासिल की है। वर्षों के नुकसान के बाद टेस्ला अब पिछली 3 तिमाहियों के लिए लाभदायक हो गई है। यह तेजी से लग रहा है कि कंपनी ने वित्तीय स्थिरता पा ली है। टेस्ला ने राजस्व में अच्छी वृद्धि को दिखाया है, जो 2019 में $112 मिलियन से बढ़कर लगभग $24 बिलियन हो गई है। इसके अलावा टेस्ला के पास कई नए उत्पाद हैं। टेस्ला मॉडल वाई की बिक्री अभी शुरू हुई है, जबकि टेस्ला सेमी, टेस्ला रोस्टर और साइबर ट्रक अगले कुछ वर्षों के भीतर आने चाहिए। इन कारणों को आने वाले वर्षों में राजस्व में वृद्धि को बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। टेस्ला का उच्च मूल्य काफी हद तक भविष्य के विकास की उम्मीद पर आधारित है। इन अपेक्षाओं को उचित ठहराया जाएगा या नहीं, ये समय के साथ ही बताया जा सकता है। हालांकि टेस्ला एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयारी कर रहा है, जो एक तेजी से बढ़ती कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। टेस्ला के साथ एक चिंता उनका बड़ा नुकसान था, लेकिन कई तिमाही मुनाफे ने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि टेस्ला वित्तीय रूप से खुद को अच्छा बनाए रखने में सक्षम है।